तेरे लिए एकदम मैं फर्स्ट क्लास एक नई जैकेट लेकर आया हूँ, तू पहन ले। मैं नहीं मारूंगा तेरे बाप को। अगर मैं ये जैकेट पहन लूंगा तो आप मेरे बाबा को कभी नहीं मारोगे? मैं कसम नहीं मारूंगा, तू पहन। ए आहिर, क्या चाहता है तू? हाँ, खबरदार जो तूने अथर्व के साथ कुछ किया तो। आहिर, आहिर मैं मना कर रहा हूँ ना। हटा उसको, हटा उसको। बाबा इसमें नहीं। तो आवाज आ रही है बाबा। अच्छा नहीं जैकेट उतार, अच्छा उतार ये जैकेट, ये बाबू सकता है, फट जाएगा। उधर फट जाएगा। हाँ बताओ, क्या तड़प क्यों रहे हो? हाँ हाँ बोलो। अरे बाबा, पागलों के लिए बड़ी हमदर्दी है ना आपसे। हाँ अरे थोड़ा बुद्धि पे जोर डालो। वही लौंडा है जिसकी वजह से आपकी बीवी आपको और आपके बच्चे को छोड़कर चली गई थी, याद है कि नहीं? हे बकवास बंद कर, उतार। बाबा ये तो आवाज कर रहा है, पर क्या करूं? अथर्व छूना मत, अथर्व उतार मत, छूना पड़ जाएगी। अथर्व नहीं, हे मारूंगा तेरे बाप को। मेरे बाप पर जाएगा बाप। अथर्व इधर देख, इधर देख बाप, हिलना मत, हिलना मत। खड़े रह, कुछ नहीं होगा। इधर देख, कुछ नहीं होगा। अरे उतार को। क्या क्या चाहता है तू? हां क्या चाहता है बता, क्या चाहता है तू? उतार ये जैकेट। अच्छा हां चलो ठीक है, एक सौदा करता है। हाँ मेरी कुछ साथी जेल में बंद है, आप अपने जेल का सिक्योरिटी कोड दे दो, मैं बम डीएक्टिवेट कर दूंगा। बोलो मंजूर है? बाबा इसकी आवाज तो बन रही है, पर आवाज बन रही है इसकी बाबा। अरे फटेगा बोलो बाबा। अदर नहीं, चुरा मत, तुझे कोर्ट चाहिए ना? हाँ ठीक है मैं दूंगा, ये डीएक्टिवेट कर, इसको डीएक्टिवेट कर। दादा ऐसे नहीं, पहले आप सिक्योरिटी कोड दो फिर बम डीएक्टिवेट। हाँ देता हूँ ना, कर डीएक्टिवेट को ना, जल्दी दे। यही थे मल्हार जी, मल्हार जी यही थे। मैडम वो लोग बहुत होशियार हैं, हम लोगों को यहां पर आने से पहले ही मल्हार सर को यहां से गायब कर दिया। हर जगह देख लिया पर मल्हार सर कहीं नहीं मिले। नहीं, हम हिम्मत नहीं हार सकते, हमें किसी भी हाल में मल्हार जी को ढूंढना होगा। और अब ना हमें और लोगों की मदद की जरूरत है, हमें कुछ खबरियों की जरूरत पड़ेगी, हमें किसी भी तरह कुछ खबरियों को हायर करना होगा। पैसे ये क्या कर रही है मैडम आप? इस वक्त ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, आप ये कंगन ये पायल बेच के ना कुछ भी करके कुछ खबरियों को हायर करिए, और तब तक ना मैं और पैसों का इंतजाम कर लूंगी, पर अभी के लिए आप प्लीज इसे काम चलाइए। अरे मैडम इसकी कोई जरूरत नहीं है। अवार काका, इस वक्त बहस करने का या फिर टाइम वेस्ट करने का कोई वक्त नहीं है हमारे पास। मैं कह रही हूँ ना, मम्मी मल्हार जी को किसी भी तरह बचाना होगा। देखिए प्लीज हिम्मत करिए,
और आप जाके कुछ खबरियों से बात करिए और सारी इंफॉर्मेशन निकालिए मल्हार जी के बारे में। मेरे मल्हार जी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैडम और ना पवार काका आप ना ये को कोड बदलो। कौन से सिक्योरिटी कोड की बात कर रहे हैं मल्हार जी? जे बात बाबा ये बज रहा है बाबा। अतर कुछ नहीं होगा तुझे, तू फिक्र मत कर बाबा, इसकी आवाज बन रही है। डिएक्टिवेट कर जल्दी। ए बोलना उसको। भगवान करे कोई हमें ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाए जहां इन्होंने हमें पहले रखा हुआ था और मेरा छोड़ा हुआ मैसेज पढ़ ले। मैडम, जिस जेल में हाई प्रोफाइल कैदियों को रखते हैं ना, वहां का एक सिक्योरिटी कोड होता है। मुझे लगता है कि मल्हार सर कहीं ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि उन नक्सलियों को जिस जेल में रखा गया है उसका कोड बदलो। शायद मल्हार जी यही कहना चाहते हैं। आंटी आप कल्याणी को कॉल कर रहे हो? नो आंटी, इतनी बड़ी बात आप उसे फोन पे बता दोगे? नो वे, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो देखेगी तो पागल हो जाएगी। आपको बिलीव नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है हिंदी फिल्म हो जैसे एकदम मिरेकल हो गया है। इसे कहते हैं माँ बेटी का कनेक्शन। कल ही देशमुख को लगा कि उसने आपको देखा और आज आप मेरे सामने खड़ी हो। कल्याणी ने इसे देखा था? एक्चुअली वो कल हम हॉस्पिटल में मल्हार सर के दोस्त से मिलने गए थे ना, तो कल्याणी को एक सेकंड के लिए लगा कि उसने माधुरी आंटी को देखा था। मैंने कहा कि तू बेकार में फालतू में कुछ भी सोच रही है, तेरी इमेजिनेशन है, लेकिन भगवान का करिश्मा तो देखो कि आज माधुरी आंटी हमारे साथ खड़ी हैं। मम्मी ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? इसका
मेरा नाम माधुरी है और कल्याणी, कल्याणी को, कल्याणी कौन है? कल्याणी मेरी बेस्ट फ्रेंड और आपकी बेटी। तो वो भी मुझे मिल जाता। हाँ, ये कल मुझे रास्ते में मिली थी और इन्हें इनके कल के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। अनुप्रिया जी, मैं तो इन्हें हॉस्पिटल ले गया था, न जाने वहां से कहां गायब हो गई है। माफ करना, मैं जानता नहीं था आप असल में हैं कौन। मुझे अपने बारे में कुछ याद नहीं। एक मिनट, हाँ, तुम सच्ची की हो ना? मतलब वो प्रेत वेत भूत आत्मा तो नहीं हो ना? हाँ, मैं एक बार छुके देखती हूँ। हाँ, आप कौन हैं? आप मेरी फैमिली हैं? हाँ, मेरी तो आप जानती हैं मुझे? कल्याणी, उस लड़के ने कहा था कि कल्याणी मेरी बेटी है। आप जानती हैं कल्याणी को, मेरी बेटी को? रचित, क्या कर रहा है तू? ये रचित, खोलना है इसे। ये कोई सरप्राइज देने का वक्त है क्या? तुझे पता है ना कितनी टेंशन में हूँ मैं। ये सरप्राइज सरप्राइज क्या है? खोल इसे। देशमुख, वेट, I know, मुझे पता है तू बहुत टेंशन में है, लेकिन मैं पट्टी बांध रहा हूँ, इसका मतलब कुछ बड़ा सरप्राइज होगा ना। तू दो मिनट रुक बस, एक काम कर, तू उतर। अहिल्या, मत कर यार। उतर, उतर, उतर। रचित, कहाँ लेके जा रहा है तू मुझे? कल्याणी, बस एक मिनट, बोला ना बहुत बड़ा सरप्राइज है, खोल देना प्लीज। ऑलराइट, तुझे पता है ना मेरा मूड अभी बिल्कुल अच्छा नहीं, खोल। ओके। तुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये? कल्याणी, हो
जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे है उठा सवार माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जग से एक दिन चमकूंगी लेकिन तेरा सितारा हुआ माई रे तेरे बिना मैं तो अधूरी रही ये चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है ये बाल ये आंखें ये होंठ इन बालों में मैं रोज चोटियां बनाया करती थी और हम शायद एक जैसे कपड़े भी पहनते थे और तुम हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारी बहन जैसी लगती हूँ है ना तुम्हें देखकर कुछ खुशियाँ उदा रहा है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें देखती रहूंगी तो अपने कल के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा ये हकीकत है ना कोई सपना तो नहीं है ना तू ही खड़ी है ना मेरे सामने माधुरी हाँ तू ही माधुरी है ना हाँ मुझे सब कुछ तो याद नहीं है थोड़ा बहुत याद है मेरी याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद करेगी ना तू मेरी कल्याणी है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या क्या करूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं रणवीर कपूर से शादी करूंगी दुनिया में जिनका कोई नहीं होता उनका उनका वनीला आइसक्रीम होता है केमिस्ट्री दुनिया का सबसे अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि केमिस्ट्री दुनिया का सबसे अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि अब ये वाला मुझे याद नहीं है नहीं कल्याणी ये वाला मुझे याद नहीं है माधुरी
माधुरी।